सुबह की फिजा फिजा। वापस आ गए और वापस आने का मकसद जो है ये है कि मैं जल्दी से अपने मेहमानों को बुलाऊं, क्योंकि जिस मेहमान को मैं पहले बुलाने जा रही हूँ उसके बारे में बता दूं दोस्तों कि वो हमेशा मुझे सफ़र में मिली हैं। सफ़र से मुराद गाड़ी के सफ़र में, जहाज़ के सफ़र में, या फिर किसी और के प्रोग्राम में जाने के सफ़र में मेरी मुलाकात होती है उनसे, मगर आज जो है वो मेरे प्रोग्राम में आई हैं और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं उनको काफ़ी हद तक जानती हूँ इस के लिहाज से कि नेचर क्या है, काम क्या है। ख़ुद फ़ैन भी हूँ उनकी, बड़ा पसंद करती हूँ, सहेली भी हैं साथ में। और ये बता दूँ कि शादीशुदा है, तो नाम लूँगी तो आप फौरन ही फिर जाहिर सी बात है खुश हो जाएंगे, तो नाम ले लेती हूँ। नादिया अफगान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, मेरी जान। आप अपने फैंस को तो पहले जरा सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या बात है, जी आप, जी आप, जी आप। अच्छा तुमने सेट लगाया हुआ है और कोई दुकान चुकान भी है? दुकान भी लगाई है। ये कल सुहेल प्रेमी थे, आज जरा कोई लट्टू, दिलबर लट्टू, दिलबर लट्टू। क्या कहते हैं, पखैर रागले? हां जी, पखैर रागले। असल में लड़कियां लट्टू हो जाती है ना मुझे। ये खान मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये कौन? ये जो मेरा पहला प्यार था ना, वो खान थी। हाँ। वो खान, ये खान था। उनका नाम था लारा दत्ता खान। अच्छा, तो लारा दत्ता है ना। की होया, ठीक है, क्या है ये? ओह माय गॉड, फिजा नहीं, वाकई ये क्या है? आई डोंट नो, आई हैव नो आईडिया। ये मैं रास्ते में भी देख रही थी, रास्ते में भी देख रही थी। क्या ये जगह जगह लगा हुआ है? किस में है? तीन किला, मेरे ख्याल में वॉशिंग पाउडर होगा कोई। नहीं नहीं, ये तो बंदा है, ये कोई चीज लॉन्च होने वाली है, कोई ये कोई तुम्हारे खाने वॉशिंग पाउडर नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, ये जो है ये कोई बंदा है, या बीवी भी हो सकती है। बीवी कैसे पता? तीन की तीन की डांटने की जूते लगाने की, और तीसरी क्या हो सकती है? तीन की डांटने की, जूते लगाने की, तीसरी क्या हो सकती है? हम बीवियां तो हैं, मगर हम जानते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छी वाली बीवी हैं, अच्छी वाली हम है ना, हम उनके राज नहीं खोलेंगे। कितना प्यारा ये हाउ लाइज है तुम्हारा, ये हिट हो जाना, ये कंटिन्यूटी तुम्हारी। ये हम दोनों के मियां बहुत अच्छे, हम दोनों के माशाल्लाह माशाल्लाह मियां बड़े अच्छे। भाई बताएं कॉल करके इसके बारे में भी, क्योंकि सिर्फ नादिया से बात नहीं करने दूंगी मैं आज, आपने ये भी बताने की है भाई तीन की ताकत। मैं तो डर गई, आप डरे तो बताएं, अगर नहीं डरे तो फिर मुझे फिर प्रॉपर इसका जवाब मिलना चाहिए। ये क्या, ये आदमी है, ये पहलवान है, ये है क्या भाई तीन की ताकत? ऐसे ही मेरे साइड पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है भाई, कोई हाल नहीं है। हाँ। जी कुछ दिन पहले ड्रामे में एक थप्पड़ पड़ा है, इतनी सीरियस एक्टिंग कर लूंगी यार। फिजा पता क्या है, इतने अरसे से आई वाज डूइंग कॉमेडी एंड People were saying to me कि आप सीरियस काम क्यों नहीं करती, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने पहला जो अभी सीरियस का रिस्पॉन्स अच्छा मिला, नहीं थप्पड़ तो दो ड्रामों में पड़े हैं ना मुझे अब। हाँ। मैंने देखा है कि सीरियस काम जो है वो बड़ा आसान है। अच्छा, हाँ आसान इन द सेंस कि कॉमेडी में यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, यू नीड टू बी यू नो ऑन योर टोस, ठक 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 टाइमिंग एंड एवरीथिंग, और एक आपको कॉन्स्टेंटली रखना होता है। सीरियस ड्रामे में मैंने देखा है कि आपने सिर्फ डेथ की तरह लगना होता है और दुखी लगना होता है, और बस लाइनें पक्की होनी चाहिए, लाइनें पक्की होनी चाहिए, और गैप ले ले के बोलो, सारे सीरियस वाले जो है ना मुझे जूते मारेंगे। नो इट, बड़ा मजा आया मुझे सीरियस काम करके। इट वाज रियली ग्लिसरीन का सहारा लिया या खुद? एक्चुअली नॉट रियली, हाँ, क्योंकि मुझे नोमी भाई ने ये ट्रिक बताई थी कि यू नो जब आपने आंसू, एक तो आप अपने आप मूड से ना निकलो, ठीक है, ठीक है ना, आप हम लोग बीच में हंसना बोलना शुरू कर देते हैं ना, स्पेशली यू नो फॉर्मूला ही बर्दाश्त होता है, कुछ है इशू लेकिन मैंने नोमी भाई ने बताया था कि हाउ टू, आप अपने ऊपर एक वो रखते हो, आप अपना सोचते रहते हो, और यू नो ही सेड कुछ दुखी मोमेंट यू नो समथिंग लाइक दैट, बट मैंने ये देखा कि इफ यू, एक टेक्निकल चीज बता रही हूँ। हाँ, अच्छा, ये टेक्निकल पे अब एक जिरा भी करेंगे। हाँ, पहले आपने नोमी भाई की कर दी, हनुमान भाई पर क्या बात है उनकी, फिर मैं जरा एक, हाँ तो टेक्निकल ये कि यू नो इफ यू कीप लुकिंग समवेयर, जैसे कि अगर मैं देखती रहूँ और थोड़ी देर तक आप सोचते रहो कुछ, तो आपको ऑटोमेटिकली यू फील सैड, यू नो आपको आना शुरू हो जाता है, और थोड़ी देर से बाद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है यार। अच्छा मुझे, मैं बताती हूँ, मैं बॉर्डर से बाहर की बात करी थी, नसीर निशा जो थे उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने लाइव थिएटर वगैरह साथ किया है इंडिया वगैरह में भी,
तो उन्होंने कहा कि जो फील है, अगर रोने वाली बड़ी फील है और बड़ा इस तरह का ड्रैग वगैरह सीन होता है, बहुत हाइपर आपको दिखाना होता है, तो आप खासतौर पर जिस तरह के भी हो, बल्कि आप कोशिश करो कि आप अपना सीन पूरा याद करो, रिहर्सल करो, एक नहीं तीन नहीं दस प्रॉपर आपके रिहर्सल हो जाए टेक से पहले, और या रिहर्सल नहीं भी हो तो आप अपने आर्टिस्ट बैठ के ना सीआर अच्छी कर ले, स्क्रिप्ट पे वो आपने कर ली, उसके बाद आप इधर उधर की बातें करें, जरा आप वार्म अप रहे अपने उसमें, आप उससे निकल जाए, अगर आप उसमें रहेंगे ना तो बस वही करेंगे जो आप एक्ट कर रहे हैं, आप अपनी नेचुरल चीजों से निकल जाएंगे। तो शुरू में मैं ऐसे किया करती थी क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक्टिंग की कख मुझे जैक कुछ नहीं पता था, तो जब इनसे मेरी मुलाकात हुई फिर मैंने कहा कि शायद लाइव थिएटर का डिफरेंस है, ये है वो, तो फिर एक्टिंग पॉलिश होती गई। जब मैंने ये किया ना, मैं मूड से निकल गई, हाँ। कि मैं सीन याद करती हूँ, सीआर करती हूँ, मूड से निकल जाती हूँ, तो हाँ। अब ये भी आपने करके देखना है, क्योंकि अब बॉर्डर से बाहर वाले न सीजन सुनना, जो दिल करे ना फिर वही करना, क्योंकि जो मूड में आपको फिर आपको सेट हो जाए ना वो सही रहे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप हंसते भी बहुत प्यारी लगती है, आपकी कब मुलाकात हुई भला है? मेरी मुलाकात वो ख्वाब में आके चित्रौल 1942 में 1942 में मेरी उनसे मुलाकात। अच्छा, दुकान अच्छी चल रही है, दुकान वगैरह खरीद नहीं, कल से तो यहीं पे खड़ी है, कहीं भी नहीं चलती, कहीं भी नहीं चलती, कल से यहीं पे खड़ी है। इन्होंने मुझे कहा था कि आपसे पैसों का खरीदेंगे, अच्छा मुफ्त चीजें उठा उठा के देती है, मुझसे पूछती भी नहीं है, है ना। जरा बाहर तो आप आए, आपको मैं जरा एक काम देती हूँ, जरा बाहर आए, आप बहुत हो गया है, दुकान नहीं चलती, क्यों नहीं आ सकते आप? माइक लगाओ। अरे छोड़े आप, वही मैं आपके पास आती हूँ, आए जरा बाहर आए, निकाले आप माइक, आजाद हो जाए, आप आजाद होंगे तो मैं आपको एक अच्छा सा काम दूंगी ना। वो दुकान नहीं चल रही है तो फिर मैंने कहा चलो कोई ऐसी जगह, जैसे मैं नौकरी पे हूँ, होस्टिंग कर रही हूँ, गलत काम ना दे। मैं भी तो नौकरी पे हूँ, होस्टिंग कर रही हूँ ना। अरे आए 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 आए, जब तक ये आ रहे कॉल लेते हैं, सारा सीखो धोती, इस किस्म के तुम प्रेमी हो। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, उज़्मा उज़्मा कैसी हैं आप? ठीक ठाक मेरा बच्चा, कैसी है उज़्मा? मैं बिल्कुल ठीक, क्या आपको शुरू देख रही हूँ, मजे कर रही हूँ, अच्छी लग रही हैं आप, क्या बात है। माँ जी मेरे प्रोग्राम में मेरी दोस्त नादिया अफगान आई हुई है जी, इनको देख रही हूँ, बहुत अच्छी, खुद भी आप दोनों बहुत अच्छे शो कर रहे हो, आप दोनों मजा आ रहा है शो देख के, खुद भी बहुत अच्छी है, खुद भी बहुत लाइवली सी है, बहुत ज्यादा का शो देख के बड़ा मजा आ रहा है, और आपने इतना प्यारा सेट रखा हुआ है ये टेडी बेयर का, मुझे इतने पसंद है ना ये कि मुझे इसका भी दिल हो रहा है कि ले लूं मैं। नहीं मेरे प्रोग्राम की पहली कॉल हो तुम, तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा गिफ्ट चाहिए, ये शो पीस चाहिए, ये दिख रहा है ये शो पीस, ये शो पीस, या फिर ये गिफ्ट, ये टेडी बेयर, क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे? ये व्हाइट वाला टेडी बेयर, ये व्हाइट वाला जी, ठीक है। अब ये आपका हुआ, अपना एड्रेस लिखवा दीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा, मगर मेरे सवाल का भी जवाब दे दो कि जब आप प्यार में होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आप प्यार में, प्यार में जब होते हैं ना तो ऐसा होता है कि ना आप उसी के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, कुछ हो तो वो याद आ जाता है इंसान, सही कह रही फिर? हेलो, हाँ हाँ आगे भी बताएं। तो यही होता है कि उसको उसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, सोते वक्त भी उसके बारे में ख्याल आ रहा होता है, तो बस पता चल ही जाता है कि हम हमें वो पसंद आ गया है वो इंसान। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिए जिए जिए, ये जो है ना ये टेडी बियर आपका हुआ, थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी ये तो अब उनका हो गया, आखिरी बार इसको जो है हगी शगी दे दें, है ना, क्यूट तो है, उसके ऊपर लव भी लिखा हुआ है, देख ले, बैठे मैं जगह दे रही हूँ आपको, नौकरी की चांसेस ट्रायल है, हॉट सीट है, हॉट सीट है, अबे माफ करें, बैठे ब्रेक पे भेजें तरीके से, बैठ के बहुत हो गया आज, कोई घूमना कोई फिरना नहीं है ना, मैं स्टॉल पे हूँ, तो अभी हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन एक मिनट माइक ऑफ था इसलिए मैंने कहा लेकिन वो जो पीछे आंटी बैठी हुई है ना उनसे मेरी रिक्वेस्ट है माइक के साथ साथ रिमोट भी रख दे नीचे, माइक नीचे रिमोट नीचे रख दे, और आपने चैनल स्विच नहीं करा, हम वापस आ रहे हैं सुख की फिजा में, फिजा वहां पर होंगी और मैं हॉट सीट पर बैठ गया हूँ, थोड़ी देर में मैं इसे ठंडा कर लूंगा, आपका बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। सुबह की फिजा